गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं टैली ईआरपी 9 की क्लास। टैली ईआरपी 9 हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रीवियस में जो मैंने आपको बताया हुआ था, एक्चुअल में वो क्या बताया हुआ था आपको, ट्रांजैक्शन। आज मैं उन्हीं के आगे और आगे आपको ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा टैली ईआरपी 9 में। आज हम सीखेंगे ये ट्रांजैक्शंस। हमने इसके पहले ये ट्रांजैक्शन सीख चुके हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये हमने चला लिया, इसकी एंट्री कर लिया। परचेस गुड्स कैश, कैश में हमने खरीद भी लिया और कैश में हमने बेच भी लिया। अब यदि हम बात करें कि अब हमको उधार बेचना है और उधार हमको क्या करना है, खरीदना है, तब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना होगा, आप ध्यान दें। अब हमको पहले हम किससे उधार ले रहे हैं, पहले डिसाइड कर लें। बॉट गुड्स फ्रॉम मनोहर, मनोहर से हम खरीद रहे हैं, कितना, 15,000 हो जाएगा। सोल्ड गुड्स टू रंजीत, और रंजीत को हमको बेचना है, कितने का, 10,000 रुपये का। जब हम मनोहर से खरीदेंगे तो एक्चुअल में एक ना एक दिन उसको हमको पैसा भी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, हमको कहीं ना कहीं उसको पैसा भी देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम सबसे पहले बॉट गुड्स फ्रॉम मनोहर, 15,000 रुपये का मनोहर से हमने प्रोडक्ट खरीदा या जो भी हमारे पास आइटम्स हैं। सोल्ड किया गुड्स टू रंजीत को 10,000 का। जब हमें ये करने के बाद उसको हमको पैसा देना होगा, तो पेड मनोहर 10,000 रुपये हमने उसको पेड किया, 15,000 में 10,000 पेड किया तो बचे कितने, 5,000 हम उसको बाद में पेड करेंगे। इसी प्रकार से रिसीव्ड फ्रॉम रंजीत, रंजीत से हमको कितना मिला, 5,000, और कितना बचा, 10,000। तो आज हम यही एंट्री सीखेंगे टैली ईआरपी 9 में, कैसे हम उधार खरीदते हैं और कैसे हम उधार बेचते हैं, ये सीखेंगे। फर्स्ट एंट्री की बात करें, उधार खरीदना है, जब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब आप किसी दुकान में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और यदि उससे आप कैश खरीदते हैं तो क्या करता है वो, आप उसको पैसा देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, घर चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि मैं कहूँ कि आप उससे उधार लाइए, उधार खरीदिए, तब क्या होगा, क्या आपको दे देगा ऐसे, पहली बात तो बिना पहचान के आपको उधार देगा नहीं, दूसरी बात देगा भी तो बिना अपने कॉपी में नोट किए हुए, यानी कि बिना आपके अकाउंट ओपन किए हुए आपको प्रोडक्ट नहीं देगा। सबसे पहले अपने कॉपी में आपका अकाउंट ओपन करेगा और ज़रूरत के आधार पे वो मोबाइल नंबर एड्रेस भी आपका लिख सकता है, और जो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे उसकी एंट्री करेगा, इसके बाद ही आपको प्रोडक्ट। सेम वही कंडीशन जब हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं तो उसका हमें अकाउंट ओपन करना पड़ता है, बिना अकाउंट के हम उसको प्रोडक्ट ना तो बेच सकते हैं ना किसी से खरीद सकते हैं। खरीदने का मतलब है सेल्स, ना वो हमको देगा जिससे हम खरीदेंगे, वो हमारी डिटेल मांगेगा। तो इसलिए टैली में भी हमको सबसे पहले अकाउंट ओपन करना होगा। अब यदि इसकी बात करें बॉट गुड्स फ्रॉम मनोहर, तो इसमें किसका अकाउंट खुलेगा, हम किससे खरीद रहे हैं बच्चों, मनोहर से, तो मनोहर का अकाउंट खोलना। अब मनोहर क्या कहलाएगा, ये तो आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं जानते होंगे, हम उससे खरीद रहे हैं वो कौन है, क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स ऋणदाता, ऋणदाता मतलब लेनदार, वो हमसे क्या करेगा, एक ना एक दिन पैसा लेगा, हमको उधार दिया है, ऐसा थोड़ी है हमेशा के लिए थोड़ी दे दिया है, इसलिए वो क्या है, क्रेडिटर है, लेनदार है, ऋणदाता है, इसलिए उसका अकाउंट हमको क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर। और जिसको हम बेचेंगे वो कौन होता है बच्चों, मालूम है, डेबिटर। डेबिटर कौन होता है, ऋणी, लेने वाला, देनदार, जिसको पैसा देना है। और मैं एक मेजर डिफरेंस आपको बता दूं, टैली में इसकी पहचान, जिसको हमको पैसा देना है, जो हम पैसा देते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटीज, दायित्व। तो इसलिए क्रेडिटर टैली में क्या होगा, लायबिलिटीज होगी,
और जो पैसा हमको मिलना है वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स। एसेट्स मीन्स वो हमारी संपत्ति होगी। तो डेबिटर हमारा क्या होगा, एसेट्स होगा। आइए सबसे पहले हम उसका लेजर ओपन करते हैं। लेजर ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। टैली आर पी 9 में आपको जाना होगा और लेजर को ओपन करना है। मैं चूँकि इसमें ऑलरेडी लेजर ओपन किया था, लेकिन मैं एक बार वो एंट्री आपको डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, और फिर स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑलरेडी मेरी इस कंपनी में एंट्री कुछ पड़ी हुई हैं, वो एंट्री मैं 1 जुलाई की थी और 1 मई की। अल्ट करके मैं पूरी एंट्री चेक कर सकता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक मेरी एंट्रीज में है। इस बीच की कुछ एंट्री जो मैंने किया था वो आपको डिलीट करके और शुरू से ये है। अब मैं आपको एक बार बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में ये है मेरी पोजीशन। कैपिटल पूंजी हमने 2 लाख लगाया हुआ था। करंट एसेट 1.10 है। कैसे 2 लाख कैश है और 10 लाख का हमारे पास स्टॉक है। ओके, और बच्चों प्रॉफिट में हम 10,000 के हैं। ठीक है, अब यदि लेजर की बात करें तो लेजर बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली कॉपी में नोट करिए, और अकाउंट इन्फो, अकाउंट इन्फो के अंदर आपको क्या मिलेगा, लेजर्स। लेजर में आप क्रिएट करेंगे और क्रिएट, चूँकि इसमें पहले एक बार एंट्री हुई थी मैं उसको डिलीट करके आपको बता रहा हूँ। नई एंट्री करके आप क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जैसे आप ओपन करेंगे, एक बार जिस लेजर को क्रिएट कर लेते हैं दोबारा हमको उसको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं। अब मुझे कौन सा लेजर क्रिएट करना है, ध्यान दीजिए, मनोहर। और मनोहर से हम खरीद रहे हैं तो मैं यहाँ बनाऊँगा मनोहर, और चूंकि खरीद रहे हैं तो क्रेडिटर है, मैं अपनी पहचान के लिए यहाँ CR लिख सकता हूँ, CR अकाउंट, जिससे मुझे याद रहे कि मनोहर हमारा क्या है, क्रेडिटर। यहाँ अब बात आती है अंडर। अब अंडर में हम क्या सेलेक्ट करें, ये आपने नहीं सीखा होगा शायद। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि उसको हम सन्नी डेबिटर रखें क्रेडिटर रखें। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल एक पॉइंट में आपको क्लियर कराऊंगा बस। आपको हमेशा ध्यान रखना है जिससे हम खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या होगा, सनरी क्रेडिटर। इसलिए यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, सनरी क्रेडिटर्स। और इसकी सबसे बड़ी पहचान करेंट लाइबिलिटीज। सनरी क्रेडिटर हमारी क्या है, करेंट लाइबिलिटीज है। एक न एक दिन हमको उसका पैसा देना है। तो यहाँ आप क्या सेलेक्ट करेंगे, सनरी क्रेडिटर। कॉपी पेन उठाइए, अभी तक नहीं उठाया, नोट करिए, उसमें लिखिए लेजर नेम मनोहर CR अकाउंट, उसके आगे लिखिए अंडर, और उसके आगे लिखिए सन्ड्री क्रेडिटर ब्रैकेट में करंट लाइबिलिटीज, नोट करके रखिए। अब जब भी मैं बोलूँगा आपको लेजर बनाना होगा, पर डे मैं थोड़ी बताऊँगा। ओके, नोट कर लिया, ठीक है। चलिए, आपने मनोहर का लेजर क्रिएट किया, सन्ड्री क्रेडिटर बन गया, आपको एस कर देना। ओके, अब लेजर ही क्रिएट कर लेते हैं, फिर ट्रांजैक्शन करते हैं। दूसरा हमको उधार बेचना है, किसको बेचना है, रंजीत को। हमने उधार खरीदा किससे, मनोहर से, इसलिए मनोहर का लेजर हमने बना लिया, संदीप क्रेडिटर। अब उधार हमको बेचना है किसको, रंजीत को, तो रंजीत का लेजर हम बना लेंगे क्या, संदीप डेबिटर। ओके, तो रंजीत DR अपने पहचान के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, DR अकाउंट मतलब हमारा डेबिटर है, और सन्ड्री डेबिटर्स इसको भी नोट करिए कॉपी में। उसी प्रकार लेजर नेम रंजीत DR अकाउंट अंडर सन्ड्री डेबिटर्स ब्रैकेट में करंट एसेट्स, नोट हो गया। चलो इसके बाद एक्सेप्ट करिए, हमारे 2 लेजर बन गए। आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं डिस्प्ले करके, ये पहले के लेजर थे, अकाउंट कैश मनोहर का क्रेडिटर लेजर, और प्रॉफिट लॉस पहले का था, पर्चेस हमारे पास पहले बना हुआ है, रंजीत का डेबिटर अकाउंट, और सेल भी हमारे पास पहले से बना है। अब हमको क्या करना है, एंट्री करना है। एंट्री के लिए आपको क्या करना है, बाइक होना है और अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है।
अकाउंटिंग वाउचर में जा कर के आपको एंट्री करना है। अब आपके सामने ये स्क्रीन डिस्प्ले हो गई। अब यहाँ पे सबसे मेजर है कि हमको कौन से वाउचर में एंट्री करना है, कौन से वाउचर में एंट्री करना है। सबसे पहले वाउचर आपको डिसाइड करना है। वाउचर को डिसाइड करने के लिए आपको साइड में पैनल दिया हुआ है और यहाँ पर आपको, चूँकि हमको परचेस करना है, खरीदना है, तो इसलिए हम कौन सा वाउचर सेलेक्ट करेंगे, परचेस वाउचर। परचेस वाउचर इसमें फाइंड आउट करिए, आपको मिल गया कहाँ है परचेस वाउचर, ये है, इसकी शॉर्टकट की प्रेस करिए F9 या इसमें क्लिक कर दीजिए। परचेस वाउचर में सप्लायर इनवॉइस का नंबर आप देंगे, जो भी नंबर आपको देना है, यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ डेट, चलिए डेट हम चेंज कर लेते हैं। अभी तक हमने अप्रैल की एंट्री किया था, अब हम मई की एंट्री कर लेते हैं। मई, मई में हम एंट्री कर रहे हैं पार्टी नेम, पार्टी नेम। अब हम कैश नहीं खरीद रहे, पहले जो एंट्री हमने बताया था कैश में बताया हुआ था, पार्टी नेम हमने कैश दिया था। अब पार्टी नेम हमारा क्या होगा, मनोहर सिया क्रेडिटर, क्योंकि हम मनोहर से खरीद रहे हैं। ओके, इंटर कर देंगे। और परचेस लेजर, परचेस अकाउंट होगा हमारा। आइटम्स, क्या खरीदना है बच्चों, चलो बैटरी हमारे पास एक भी नहीं, आज बैटरी खरीद। ओके, तो कितने पीस, 10 पीस खरीद लेते हैं। कितने के रेट में, 1500 की रेट में, मान लो मिली 15000 की हो गई। कितने का खरीदना है बच्चों, देख लो आप, 15 का ही खरीदना था, 15000 की बैटरी हमने खरीद लिया, चलो और कुछ नहीं खरीद रहे, बैटरी भर खरीद रहे। ओके, कब खरीद रहे हैं ये ध्यान लेना, 1 मई। इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, हमने परचेस कर लिया। अब हमको क्या करना है, सेल करना है। सेल मीन्स बेचना है, बेचना कितना है आप एंट्री पे देख लीजिए, किसको बेचना है। सोल्ड गुड्स टू रंजीत, कितने का, 10000, 10000 का माल हमको रंजीत को बेचना है। ओके, बेचने के लिए हम कौन सा वाउचर सेलेक्ट करेंगे, FA। ये आपके सामने विंडो डिस्प्ले हो गई और यहाँ पे नंबर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, रेफरेंस नंबर। कब बेचना है, इसकी डेट हम चेंज कर देते हैं, 2 मई कर देते हैं, 1 को खरीदा और 2 को बेच देते हैं। हम उस दिन भी बेच सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके ऊपर है। पार्टी नेम कैश नहीं बेचना, किसको बेचना है, रंजीत को बेचना है, डेब DR है। देखिए लेजर सही बनाना बहुत ज़रूरी है, यदि लेजर सही नहीं होगा, उसका ग्रुप सही नहीं होगा, तो हमारी बैलेंस शीट सही नहीं आएगी, एंट्री सही नहीं होगी, इसलिए सही लेजर क्रिएट करना बहुत आवश्यक है। अभी मैं एक वीडियो लेजर पर ही लेकर आऊँगा और किसका कौन सा लेजर बनेगा ये पूरा मैं आपको नोट कराऊँगा और दिखाऊँगा। आज तो मैं अभी 2 एंट्री बता रहा हूँ। ओके, रंजीत को आप सेलेक्ट किए, इंटर कर देंगे। इसके बाद सेल्स, क्या बेचना है, चलो बैटरी कुछ बेच देते हैं इसको, कितने का बेचना है देख लेते हैं। रंजीत सोल्ड, 10000 रुपये का हमको बेचना है, इसको हम 5 पीस तो बैटरी बेच देते हैं, 15 की खरीदे थे, 3000 की बेच देते हैं, 15000 की हो जाएगी, बहुत हो गई बैटरी, कुछ कम कर देते हैं इसको, 3 पीस कर दें, 9000 का हो जाएगा। ठीक है, 1000 का और कुछ दे देते हैं इसको, 1000 का माउस दे देते हैं, माउस कितने पीस दे दें, 5 पीस दे दें, 1000 का हो जाएगा, 200 के रेट में हमने माउस बेच दिया 5 पीस, ठीक तो है, 10000 रुपये के इसको बेच देते हैं। नरेशन अपने अकॉर्डिंग आप लिख लिया करिएगा, रंजीत टू सेल, बीम टू सेल, रंजीत अपने अकॉर्डिंग, आपको मैंने 2-3 इंट्रियों में बता दिया है, 2-3 वीडियो में। अब आगे आप नरेशन लिखते हैं, एक्सेप्ट करें। अब चलो देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम डे बुक चेक कर लेते हैं। डे बुक के लिए आप डिस्प्ले में जाएंगे और डे बुक देखिए, कब की एंट्री बता रहा है, 2 मई की। आप Alt+F2 प्रेस करिएगा, पूरी एंट्री आप देख सकते हैं, APR अप्रैल से कहाँ तक, मई। देखिए हमने अप्रैल, 1 अप्रैल को कैपिटल पूंजी लगाया था 2 लाख, कैश
परचेस किया था 20,000 का, कैश सेल किया था 20,000 का, फिर हमने आज 1 मई को 2020 को परचेस किया 15,000 का, और फिर 2 मई को हमने सेल किया 10,000। ये सारी एंट्री आपको डेट वाइज यहाँ पर मिल जाएगी, कब से कब तक की हम देख रहे हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मई। ओके, इसके बाद थोड़ा बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट को देखने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, आपके पास ये पोजीशन है 2 लाख का कैपिटल है, और ये लाइबिलिटीज, ये पहले नहीं था, कहाँ से आ गई लाइबिलिटीज, क्योंकि हमने उधार खरीद लिया, ये हमारी लाइबिलिटीज होगी, एक ना एक दिन ये पैसा हमको देना होगा। संडी क्रेडिटर किसका है, मनोहर का है, कब लिया हमने, मई में लिया, किस डेट को लिया, पूरी एंट्री आपको दिखा देगा, 1 मई को हमने परचेस किया। इंटर करते जाना है आपको, बैक होने के लिए आपको स्कैप बटन प्रेस करना है। इसी प्रकार इधर एसेट्स देख लो, क्लोजिंग स्टॉक 20 का है, 10,000 संडी डेबिटर्स हैं, यानी कि हमने बेचा है रंजीत को, तब दो वो पैसा हमारे पास आएगा, एसेट कहलाएंगे। ओके, इस प्रकार से आप बैलेंस शीट देख लेंगे। बैलेंस शीट देखने के बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये बहुत दिन के लिए थोड़ी कोई उधार देता है, पैसा चुकाना भी तो पड़ेगा। चलो मनोहर को पहले पैसा चुका देते हैं, फिर देखते हैं कि रंजीत हमको कब पैसा देता है, उसका पैसा भी हमको लेना पड़ेगा। आइए अब अगली एंट्री, हमारी दो एंट्री हो गई, पेड मनोहर, मनोहर को हमने पैसा पेड किया 10,000, इसकी एंट्री आप कैसे करें, क्वेश्चन लिख लिया करो कॉपी में, जब क्वेश्चन होगा तभी आपको आंसर समझ में आएगा। ओके, आप फिर से गए और इस पे गए, और इस पे जाने के बाद आपको क्या करना है, मनोहर को पैसा पेड करना है। मनोहर को पेड करने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में अब चूंकि पैसा देना है, कौन सा वाउचर यूज होगा, फिर वाउचर चेंज होगा, हम खरीद तो रहे नहीं परचेस वाउचर यूज करें, ना तो सेल कर रहे कि हम सेल वाउचर यूज करें, अब हमको पैसा देना है, पैसा देने के लिए आप यहाँ फाइंड आउट करें, आपको मिलेगा पेमेंट वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर, इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, चूंकि अभी हमारा बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, बैंक से हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते लेन देन, हमारे पास जो भी पैसा है अभी कैश है, इसलिए हम कैश सेलेक्ट करेंगे। कैश कितना कैश है आपको दिखा देगा, हमारे पास करंट में 2 लाख का कैश है, अब हमको किसको देना है, मनोहर को, तो यहाँ मनोहर सेलेक्ट करेंगे, मनोहर का कितना उधार है वो भी हमको यहाँ देखने को मिल जाएगा, करंट बैलेंस 15,000 रुपये हमको इसको देना है, लेकिन अभी फिलहाल हमको कितना देना है, 10,000, 5,000 रुपये हम बाद में देंगे। ओके, तो यहाँ हम 10,000 कर देंगे। हाँ, ये ऑप्शन मैं आपको फिर बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे जो आपको सेलेक्ट करना है, एडजस्टमेंट रेफरेंस सेलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी इसके पेंडिंग बिल होंगे, मान लीजिए हम और भी खरीदे होते वो सारे बिल हमको यहाँ दिखाई देते, चूँकि एक ही पेंडिंग बिल है वो हमको यहाँ दिखाई दिया, उसका नेम है 2, कब खरीदा था 1 मई 2020 को, कितना बैलेंस है 15,000, ये सब कुछ हमको दिखाई दे, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे, 10,000 रुपये हमारे इसमें एडजस्ट हो गए, मनोहर को तो हमने दे दिया। देखिए हमारा कैश कम हो गया, 2 लाख था, अब कितना बचा, 1,90,000, क्यों, क्योंकि 10,000 रुपये हमने मनोहर के चुका दिए, तो 10,000 रुपये हमारे क्या हो गए, कम हो गए। ओके, अब हमने तो पैसा दे दिया, भाई हमको कब मिलेगा, अगर जिससे भी तो हमको पैसा मांगना पड़ेगा, तो हमने कब दिया, 2 मई को दे दिया, चलो रंजीत से भी ले लेते हैं, 2 मई को मान लीजिए रंजीत आया हमको पैसा दिया, तो उसकी एंट्री भी हमको करना पड़ेगा कि रंजीत हमको पैसा दे गए, अब उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे फिर जाएंगे, चूंकि हमको पैसा मिल रहा है इसलिए हम यूज करेंगे रिसिप्ट वाउचर। ओके, पहले भी हम यूज कर चुके हैं, जब कैपिटल पूंजी हमने लगाया था तब भी हमने रिसिप्ट वाउचर यूज किया हुआ था, तो यहाँ पे हम रिसिप्ट वाउचर यूज करेंगे, क्योंकि पैसा हमको क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, रिसिप्ट वाउचर कैसे रिसीव हो रहा है, अकाउंट में कैश, कैश आएगा, देखिए हमारे पास कितना कैश है, 1,90,000, अब जो भी हम रिसीव करेंगे वो हमारा कैश बढ़ जाएगा, किससे लेना है हमको, रंजीत से, तो
तुमने रंजीत को सेलेक्ट किया। कितना पाना है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, 10,000 रुपये पाना है। ओके, तो मान लीजिए हम इसको कितना लेना है अभी हमको, पूरा अमाउंट इससे भी नहीं ले रहा है, 5,000 रुपये अभी ये दे रहा है हमको, इंस्टॉलमेंट में दे रहा, 5,000 रुपये हम जमा करेंगे। एडजस्टमेंट रेफरेंस, इसका भी एक ही बिल है, ये भी 2 मई को हमसे परचे दिया था, सेल किया था हमने, और इसको आप एंटर कर देंगे, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे कैश, कैश आपके पास कितना है, ध्यान दें आप, 1,95,000 हो गया, जबकि 1,90,000 कैश था हमारे पास, लेकिन अब कितना हो गया, 95,000, क्योंकि 5,000 रुपये हमारे क्या हो गए, प्लस हो गए। ओके, इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। इस प्रकार से ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई, रिसीव फ्रॉम रंजीत 5,000। तो ये चारों एंट्री आज हमारी कंप्लीट हो गई, ये चारों एंट्री आपको सीख लेना है, और सीखने के बाद आप जानते ही हैं इनका एनालिसिस मैं कल बताऊंगा, और साथ में बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा, डे बुक भी दिखाऊंगा, साथ में जो उधारी अभी इनने पूरा पेमेंट नहीं दिया है, इसने 15,000 में से हमने इसको 10 दिया है, तो 5 बचा कि नहीं बचा, रंजीत ने जो हमको दिया है वो कितना दिया है, 10,000 में 5,000 ही दिया है, तो शेष 5,000 हमको और मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो पर लेकर आऊँगा। आज इतना ही, और आज के वीडियो में क्लोज करने जा रहा हूँ, लेकिन आपसे वही, आप वीडियो ज़रूर देखा करें, पर डे वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा टैली, और टैली में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप अपना, यदि आपके पास शॉप है, दुकान है, अपना स्वयं डेटा हैंडल कर सकते हैं टैली को सीखकर, किसी की आवश्यकता नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, किससे आपको उधारी लेना है, रिमाइंडर सब कुछ आपको उसमें मिलेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आपको बार बार अपना अकाउंट बही खाता चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी, कंप्राइज होगा, आपके व्यक्ति आया सर मेरा कितना उधार है, तुरंत पता चल जाएगा। अभी बहुत कुछ मैं इसमें एडवांस फीचर सिखाऊंगा, आप मेरे वीडियो ज़रूर देखते रहें। आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।